के बात रांची की, जहां पर हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक आज है, तो वहीं शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में इस कैबिनेट की बैठक को रखा गया। कई अहम प्रस्ताव ऐसे जिन पर इस दौरान मुहर लगाई जा सकती है। मैया सम्मान योजना के लाभुकों की उम्र सीमा पर भी फैसला होगा। 18 साल की उम्र से मिलेगा मैया सम्मान की राशि। देखिए, उम्र को लेकर के भी यह फैसला हो सकता है, यानी कि उम्र को और कम किया जा सकता है। शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में इसको लेकर कैबिनेट बैठक रखी गई है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, तो वहीं मैया सम्मान योजना के लाभुकों की उम्र सीमा पर भी फैसला होगा। 18 साल की उम्र से मिलेगा मैया सम्मान राशि। हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक आज, और इसी बैठक में कई ऐसे अहम प्रस्ताव बताया जा रहा है जिन पर मुहर लगाने का काम हो सकता है। शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में बैठक, तो वहीं कई अहम प्रस्ताव ऐसे जिन पर मुहर लग सकती है, और उनमें से एक मैया सम्मान योजना, जिसके लाभुकों की उम्र को 18 साल किया जा सकता है। तो 18 साल की उम्र से मैया सम्मान की राशि मिलेगी, इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज जी, मैया सम्मान योजना को लेकर के लगातार चर्चा में बनी हुई है, लगातार सीएम जो दौरे कर रहा है उसमें जो मैया सम्मान योजना के लाभार्थी उनको लाभ पहुंचाने का एक काम सीएम के द्वारा किया जा रहा है, वहीं अब उम्र को लेकर के भी विचार, यानी कि इसकी लोकप्रियता क्या बढ़ती जा रही है, और यही वजह कि अहम प्रस्तावों में इसको शामिल किया गया है। देखिए, बिल्कुल आज की कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, और शाम 4 बजे मुख्यमंत्री का अध्यक्षता में कैबिनेट होनी है। और आज की कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से राज्य सरकार की ये जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मैया सम्मान योजना, इसे लेकर मुख्यमंत्री काफी गंभीर है। और आपने देखा कि इससे पहले 21 से 50 साल की महिलाओं को इसका लाभ मिल रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री की पहल से 18 साल की उम्र की जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उन्हें भी अब इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद उस आयु को लेकर, उस उम्र को लेकर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद इसे कैबिनेट में पारित किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, उन प्रस्तावों पर भी राज्य सरकार विशेष तौर पर चर्चा करके उसे पारित करने की कोशिश करेंगे। और खासकर आपने देखा कि 2 महीने के बाद झारखंड में असेंबली इलेक्शन है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार चाहती है कि जो भी फंड बचे हुए हैं और जो भी योजनाएं, जो लाभकारी योजनाएं हैं, वो राज्य सरकार और राज्य की जनता के बीच वो उतारे। तो इन तमाम विषयों को लेकर आज चर्चा होगी, चाहे वो सड़क की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, या फिर शिक्षा की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले। तो ऐसे कई मूलभूत जो चीजें हैं, उन चीजों पर सरकार विचार करेगी, और संभवतः आज भी 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पर सरकार अपनी सहमति जताते हुए उसे पारित करेगी। सूरज, रोजगार की अगर हम बात की जाए, तो देखिए रोजगार को लेकर के लगातार हमने देखा बीजेपी घेरते हुए नजर आती है जेएमएम को, तो ऐसे में रोजगार को लेकर के सरकार क्या सोचती है, और क्या इस दौरान आज ये बैठक होगी, क्या इसमें रोजगार पर चर्चा की जा सकती है? और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि 2 महीने का आज यानी कहें कम समय ही बचा है चुनाव में, तो ऐसे में क्या पॉसिबल होगा कि रोजगार भी दिया जा सके युवाओं को? देखिए बिल्कुल राज्य सरकार काफी इस मामले में काफी गंभीर है, और आपने देखा कि लगातार इस तरह की योजनाएं सरकार लाने का प्रयास करती रही है। और आपने देखा कि चाहे उत्पाद सिपाही बहाली की बात कर ले, या फिर हम शिक्षकों की नियुक्ति की बात कर ले, इसके अलावा जब ये हाल के दिनों में जो पारा मेडिकल के लोगों की जो बहालियां हुई थी, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार चाहती कि झारखंड में बेरोजगारी ना हो और रोजगार देकर उन्हें उनकी बेरोजगारी दूर की जाए। और आपने देखा कि इसे लेकर लगातार बैक टू बैक सरकार ने कैबिनेट में कई बड़े फैसले भी लिए हैं। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज की भी कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार कोई अहम निर्णय ले सकती है। चले, अब आपने देखा मैसा सूरज, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो देखिए, फिलहाल प्रोजेक्ट भवन में आज एक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, और ऐसे में कई अहम प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर मुहर लगाने का काम किया जाएगा। मैया सम्मान योजना, खासतौर पर इसकी उम्र सीमा पर भी फैसला हो सकता है।